Hello students, hope you are doing well. So the last lecture where we had ended up was on the application of determinants, where we had dealt with many questions on inverse of a matrix, ki hum kaise inverse nikal sakte hain, ya fir determinants ka application part mein dekhe. So we could find three things, equation, whether the first was triangle ka hum area nikal sakte hain, usse hum collinearity prove kar sakte hain, and then we can find the equation of a line, okay. And then also determinant is used in finding the inverse of a matrix, because inverse of a matrix is adjoint of A divided by determinant of A, ठीक है. So हम लोग ने जो लास्ट में किया था, मतलब एक तो एडजॉइन निकाल के किया था, बट ऑल्सो वी हैड सीन PVS मेथड, PV सिंधु मेथड टू फाइंड द इनवर्स विद इन वन मिनट यू कैन फाइंड, ओके. सो लेट अस डू वन मोर थिंग, क्योंकि आज हम लोग क्लास में इनवर्स का यूज़ है, ठीक है. वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स. तो लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय PVS मेथड, सो दैट जो आगे के क्वेश्चन होंगे हमारे लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे, ठीक है. और जिनको भी समझ में नहीं आया, जो फिर से देखना चाहते हैं, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख लीजिए. लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स वी हैव बीन गिवन, ए इज 1 1 1 1 1 1 1 2 3 and 2 1 1, ओके. सो दिस इज द मैट्रिक्स ए जिसका हमें इनवर्स निकालना है. सो इफ दिस इज ए, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? दैट इज 1 -2 एंड दिस विल बी +3 -1. 1 1s are 1 -6 and +1 -1 +4, right? Means what we get is -3 -2 is 1, -1, and this will be -5. That means directly what I can write is -1 into -5, that is +5, and this will be 4 -1 is 3. That means the value I get is 9. मुझे कितनी value मिल गई? 9 value मिल गई. Means it is a non-singular matrix. A non-singular matrix है और इसका inverse निकालना possible है. And what? How do we find the inverse? That is A inverse is adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A निकालने के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था PVS मेथड. आपको तीन चीज का याद रखना है, फर्स्ट पोजिशन, देन वैल्यू एंड द थर्ड साइन. जब आपका पोजिशन और वैल्यू सब आप पहचान सको, पता हो जाए, देन वी गो फॉर द साइन, ठीक है. कि हर जो आपके डायगनल डायमंड शेप में वैल्यूज होते हैं उनका हमें साइन चेंज करना है, ओके. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ 1. 1 का जो माइनर या कोफैक्टर, माइनर 1 का माइनर कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा. इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज -2 + 3 एंड -2 + 3 इज 1, राइट. देन इस 1 का पोजीशन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. इस दो इस कॉलम को छोड़ दो तो 1 1 -6 1 -6 इज -5. आई एम नॉट कंसिडरिंग द साइन. इस 1, ये 1 का पोजीशन जो माइनर होगा यहाँ पे लिखना है, तो ये गया, ये गया, क्या बचा? 1 into -1 is -1, 2 into -2 is -4. ध्यान देना ये कितना हुआ? -1, -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 एंड -1 + 4 इज 3, ओके. देन इस 1 का माइनस हमें कहाँ लिखना है? यहाँ पे. तो जो दो है जो कॉलम में छोड़ दो, 1 1s are 1 + 1 1s are 1 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2. इस -2 का माइनस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो ये गया, ये गया, कितना बचा आपके पास? 1 - 2 एंड 1 - 2 इज -1. 3 का माइनस आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये वाला जो ये वाला कॉलम गया, 1 1s are -1 एंड दिस विल बी -2, सो -1 - 2 इज -3. इस 2 का माइनस मुझे यहाँ पे लिखना है, तो ये दो ये कॉलम गया, 3 + 2 एंड दैट विल बी 5, राइट. इस -1 का यहाँ पे लिखेंगे तो ये गया, ये गया, 3 1s are 3 3 - 1 इज 2. और इस 1 का क्या आएगा बेटा? -2 - 1 - 2 - 1 इज -3. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, पीवी हो गया, पोजीशन एंड वैल्यू हो गया, सो वी कैन मूव नाउ ऑन साइन. तो जो भी आपके डायगनल वाले शेप है, डायगनल डायमंड शेप के हैं, तो ये प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना? 9. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द इनवर्स डायरेक्टली बाय PVS मेथड, दैट इज PV सिंधु मेथड, ओके. चलिए, सो इनवर्स निकालना, होप आई थिंक आपने यदि 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया भी होगा तो आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि आज हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें इनवर्स निकालना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, वी कैन से, ओके. सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज लीनियर इक्वेशन सिस्टम.
ठीक है, बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. टेंथ क्लास में आप लोग ने पढ़ा है बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके पास साइमल्टेनियसली कितने इक्वेशन आते थे, दो इक्वेशन होते थे, दो वेरिएबल्स होते थे, हम सॉल्व कर देते थे, ठीक है, बाय एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, काफ़ी मेथड थे. अब यहाँ पे सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे पेयर यूज़ करते थे, यहाँ पे सिस्टम. सिस्टम का मतलब क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी हम दो इक्वेशंस होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास तीन वेरिएबल्स हो, तीन इक्वेशंस हो, पांच वेरिएबल्स हो, पांच इक्वेशंस हो, दस वेरिएबल्स हो, दस इक्वेशन हो, तो ये पूरा का पूरा किस में कंसिडर हो जाता है बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है. तो आप जो भी हम लोग अभी आज करने वाले हैं, वी कैन फाइंड उस वैसे इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. हमें यदि तीन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो हमें उन तीनों का इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू लिखना है. सो व्हाट इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे कुछ ऐसे इक्वेशंस, यू विल बी हैविंग इक्वेशंस वेयर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जिनका पावर कितना होना चाहिए बेटा, वन, बिकॉज लीनियर मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन. सो लीनियर इक्वेशन मतलब आपके पास बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस होंगे जिसमें कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने भी इक्वेशंस हो सकते हैं, और ऐसे पूरा का पूरा जो कलेक्शन होता है उस चीज को आप क्या बोलते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. बट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई या वैल्यू ऑफ जेड, यदि तीन वेरिएबल्स हैं, तो वही तीन वैल्यूज वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें तीन इक्वेशंस लिखे हैं, दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल्स टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल्स टू डी टू, एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल्स टू डी थ्री. इन दैट केस व्हाट आई से, मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि ये तीन इक्वेशंस हैं, दैट थ्री इक्वेशंस इन दिस, जहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये भी क्या है बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. अब आप जब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करोगे, तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वही इसको सेटिस्फाई करेगी, और वही इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है. नाउ इफ वी आर डीलिंग विद द सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, सो देखिए इसका, इफ वी आर, वी हैव टू डील विद द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो तरीके के वैल्यूज हो सकते हैं, दो तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं. यदि आपका नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है या फिर होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होगा बेटा, यदि लेट से आपको इक्वेशन, जैसे हम लोग टेंथ क्लास की बात करते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, इक्वल में मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 0, तो जब कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस. लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे भी होते थे आपके टेंथ क्लास में, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है. तो जब आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, जब आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस. और यदि आपका कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस. उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन होमोजीनियस, ठीक है. तो नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब समझ में आया. अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. नॉन होमोजीनियस में भी दो केसेस हो सकते हैं. यदि लेट से ऐसा इक्वेशन है जहां पर डी1 डी2 डी3 की वैल्यू 0 नहीं है, जहां पर डी1 डी2 डी3 की वैल्यू 0 नहीं है, सो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन होमोजीनियस. एंड उसमें भी दो केस आपके पास हो सकता है कि जो भी आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब, सबसे पहले देखिए ये जो आपको, हमें क्यों मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें मैट्रिक्स का एप्लीकेशन, मैट्रिक्स को यूज करके इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें. देखिए आपके पास एक चीज कॉमन है सब में, दैट इज एक्स वाई जेड विच आर द वेरिएबल्स. तो यहां पे यदि मैं सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म्स को लिखूं, तो कॉन्स्टेंट मेरा क्या होगा बेटा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है, ये मैंने लिख लिया. दिस आर द कॉन्स्टेंट टर्म, जो कोफिशियंट्स हैं उसको मैंने एक मैट्रिक्स बोल दिया. अच्छा, जो वेरिएबल्स हैं उसको मैंने इस तरीके से लिखा है एक्स वाई जेड. ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से देखिए. इफ यू सी इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे भी 3x3, यहाँ पे दो नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए और कॉलम इस तरीके से एक ही होगा बिकॉज आपके पास एक्स वाई जेड है. अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, आई विल बी गेटिंग अ वेक्टर
ऑर्डर या एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3x1 का होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3x1 का होगा, यस और नो? क्योंकि ये थ्री के इक्वल है, जो बच जाते हैं दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तीन एलिमेंट्स होंगे a11, a21 एंड a31, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए ना, आपको इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए तो क्या मिलेगा बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा बोलो, a2x प्लस b2y प्लस c2z, यस और नो? और यहाँ से क्या मिलेगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z, यस और नो? ये हो गया। अच्छा, इक्वल्स में आप क्या लिखोगे, इक्वल में क्या लिखोगे, जो ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है उसको आप लिखोगे, दैट इज d1 d2 d3 यदि मैंने लिख लिया तो इसका मतलब क्या है, दीज टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, दे आर कंपेरेबल, कंपेरेबल है ऑफकोर्स, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x1, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x1, और इक्वल मैट्रिक्स का दूसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, दैट एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z किसके इक्वल होना चाहिए, d1 के, इट इज इक्वल। a2x प्लस b2y प्लस c2z किसके इक्वल होना चाहिए, d2 के, अगेन इट इज इक्वल। एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z शुड बी इक्वल टू d3 विच इज एक्चुअली द सेम, यस और नो? तो इतना समझ में आया आपको कि यदि आपके पास लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, देन हाउ कैन वी कन्वर्ट, हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है? कॉफी कॉन्स्टेंट टर्म को आपको अलग रखना है, जो कोफिशियंट्स हैं उनको आपको अलग रखना है, दैट इज सेट टू बी द मैट्रिक्स ए, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स ए बोलते हैं, इस चीज को आप बोलते हो मैट्रिक्स ए, लेट्स से इसको मैंने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स ए, जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसको मैं ए बोल रहा हूं, जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको मैं एक्स बोल रहा हूं, और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए एक्स बी, ठीक है? अब देखिए यहां से एक चीज आप और कर सकते हो, कैन वी मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड, ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था उस समय यही पढ़ा था, कम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब यदि आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए इनवर्स यदि इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है देन डेफिनेटली यहां पे भी जो ए इनवर्स है वो कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, बी के पहले, यदि ए एक्स के पहले आप ए इनवर्स लिख रहे हो तो यहां पे भी बी के पहले आपको ए इनवर्स लिखना पड़ेगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज सिंस a इनवर्स इंटू ए इज आई, और आई में कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद मैट्रिक्स मिलेगा, एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इनवर्स ऑफ b हो जाएगी। नाउ यदि मैं a इनवर्स की बात करूं तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b, यस और नो? मतलब पूरा का पूरा खेल वापस आके यहीं पे अटक गया कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये x है जो वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? सो यदि मान लीजिए मुझे होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, कांस्टेंट जीरो नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब इस तरीके का केस चलता रहेगा, तो ये डिपेंड करेगा इसके बाद का आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए पे, कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो भी हो सकता है या डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो भी हो सकता है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, मतलब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, याद करिए जब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम वहां पे पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 व्हिच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन वी गेट नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे भी वो सारे के सारे केसेस आ सकते हैं। अब देखिए यदि मैट्रिक्स ए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब x डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, x विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, x एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग, इफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज यूनिक, सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी आएगा, एक ही आएगा, ठीक है? अच्छा, अब यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, मींस इट इज अ सिंगुलर, ए यदि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इन दैट केस आप ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हो। एंड इफ यू कांट फाइंड ए इनवर्स, यदि आप ए इनवर्स की वैल्यू नहीं बता रहे हो, मतलब जो भी है आपका सॉल्यूशन किस पे आके अटक जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी पे, सॉल्यूशन किस पे आके अटक जाएगा, देन वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के भी दो केस हो सकते हैं, या तो ये जीरो आएगा या तो ये नॉन जीरो आएगा, या तो ये जीरो आएगा या तो ये नॉन जीरो आ गया। यदि ये नॉन जीरो आया,
यदि ये नॉन जीरो आया देन डेफिनेटली व्हाट वी से इट डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दिस विल बी नो सॉल्यूशन बिकॉज आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, जीरो बाय जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है. एंड इफ इट कम्स आउट टू बी जीरो, यदि इसकी वैल्यू जीरो है, यदि ये नॉन जीरो हो जाए, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, यदि ये नॉन जीरो है देन यू विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, क्योंकि जीरो बाय जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. एंड इफ इट कम्स आउट टू बी जीरो, इफ इट कम्स आउट टू बी जीरो, यदि ये नॉन जीरो, इफ इट इज नॉन जीरो, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, दैट मीन्स ऊपर सर्टेन कुछ वैल्यू होगी, देयर विल बी सर्टेन वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बाय जीरो, मतलब नॉन जीरो बाय जीरो फॉर्म में आएगा, दिस विल बी नॉन जीरो बाय जीरो के फॉर्म में आएगा. इन दैट केस यू विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन. और यदि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ जाएगा, देन इट विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन वी विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस. यदि इसकी वैल्यू होमोजीनियस है, यदि ये होमोजीनियस है, देन वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, देन बाय दिस मेथड, इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पहली चीज. सेकेंड, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, देन जो खेल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी पे. यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, माइनस वन माइनस टू या कुछ भी आ रही है, देन इन दैट केस वी से दैट इट इज इट नॉन जीरो है. यदि उसकी वैल्यू नॉन जीरो है, देन वी से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन. लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी आपका जीरो आ रहा है, देन वी से दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, बट इन द केस ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस के केस में यहां पे भी वही चीज होगी, यहां पे भी वही चीज होगी, मतलब या तो ए की वैल्यू नॉन जीरो होगी या तो ए की वैल्यू जीरो होगी. यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन यहाँ पे आपके पास नॉन जीरो आ रहा है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पे देखा था 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू जीरो एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बेटा, जीरो जीरो, मतलब यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसे आप बोलोगे ट्राइवियल सॉल्यूशन. उसे आप क्या बोलोगे बेटा, ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करोगे तो x की भी वैल्यू जीरो, y की भी वैल्यू जीरो, और तीन वेरिएबल्स होंगे तो z की भी वैल्यू जीरो मिलेगी. तो जब कभी भी तीनों की वैल्यू जीरो हो जाए, इन द होमोजीनियस केस वी से इट एज अ ट्राइवियल सॉल्यूशन. हम उसे क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, एंड इफ ए की वैल्यू जीरो आ रही है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ रही है, देन वी से कि जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी नो ट्रिवियल सॉल्यूशन. यहाँ पे कोई भी ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, इनफैक्ट यहाँ पे आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. मतलब जब आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन है, व्हेन यू हैव होमोजीनियस, यदि आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो वहाँ पे नॉट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं बनेगा. या तो एक वैल्यू होगा या तो बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा. ठीक है, तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये चेक करना होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे. यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सब बहुत अच्छे से चलेगा. यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम लोग किस में काम चलाना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी में. ठीक है, अब दो चीज है नॉन होमोजीनियस के बारे में, कि हमने बोला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक करेगा. कैसे, हम लोग यहीं से चलते हैं. हमने क्या किया, जो भी आपको क्वेश्चन दिया था, जो भी आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, ए एक्स इंटू बी में. हमने कैसे किस में कन्वर्ट कर लिया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि ए व्हाट वी हैव टू डू, कि मैंने क्या किया, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, ए इनवर्स ऑफ बी मिलेगा. ए इनवर्स इनटू ए कितना होगा, आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स बी. यस नो, हाँ ना. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इधर ध्यान से एक बात बताइए, कि सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स, क्योंकि ए आपका नॉन जीरो है तो डेफिनेटली ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि ए एंड इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वी गेट अ सॉल्यूशन, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा. सो वी कैन से दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. बट द यूनिकनेस पार्ट, इसका यूनिकनेस पार्ट कैसे प्रूव करोगे, so if we see its a uniqueness,
व्हाट वी सी, देखिए आपको पता है कि दो सॉल्यूशंस हैं. लेट्स से यूनिकनेस का मतलब, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जो ए इनवर्स है वो हमेशा यूनिक होता है. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ए इनवर्स होगा वो कैसा होगा बेटा, यूनिक होगा. तो इफ़ यू सी द सेम ओवर हियर, यदि हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को देख रहे हैं, सो व्हाट आई गेट इज, लेट्स से कि ए के दो वैल्यूज हैं, एक्स के दो वैल्यूज हैं, ए एक्स वन इज इक्वल्स टू बी एंड ए एक्स टू इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, देन डेफिनेटली वी कैन से एक्स वन इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. ये सुनो, देखिए ए तो हमेशा यूनिक है, ए तो आपका यूनिक ही है, और बी जो क्वेश्चन दे रहा है वो भी आपका यूनिक है. ए जो आपको दिया था, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है. लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स यूनिक है, और बी तो आपको क्वेश्चन दे रहा है, मतलब वो भी उस क्वेश्चन के लिए यूनिक होगा. तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी यूनिक होगा. मतलब एक्स, ये दोनों वैल्यूज तो हमेशा ही सेम होगी, चाहे आप कितनी बार भी लिखो वो हमेशा सेम होगी. सो इफ इट्स आर एच एस आर इक्वल, इन दोनों के आर एच एस इक्वल है, दैट मीन्स डेफिनेटली इन दोनों के एल एच एस भी इक्वल होंगे. और यदि एक्स वन एक्स टू हो जाए, मतलब एक्स वन की भी वैल्यू 3 है, एक्स टू की वैल्यू 3 है, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि एक्स वन के दो वैल्यूज हैं. ये सुनो, मान लीजिए आपने एक जगह x का वैल्यू निकाला 2 और उसी जगह x का वैल्यू निकाला, फिर से 2 निकला. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने x1 का वैल्यू निकाला इनवर्स भी, और यहाँ पे भी हमने x2 का वैल्यू निकाला इनवर्स भी. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि x के दो वैल्यूज हो गए, डेफिनेटली नो. ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि दोनों के दोनों वैल्यूज सेम है. सो दिस मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक. सॉल्यूशन कैसा है बेटा, यूनिक है. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं. बस आपको इतना याद रखना है कि हमेशा दो चीज़ चेक करना है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, एंड सेकेंड थिंग उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. So the first question that we have is 2x plus y plus z equals 1 and x minus 2y minus 3z is equals to again 1 and 3x plus 2y plus 4z is equals to 5. So what I am doing now, I am converting this equation into the matrix form. Yadi main isko matrix form mein likhu, so what I can write is 2 1 1 1 minus 2 minus 3 and 3 2 4, right? This is A, this is the matrix of coefficients, and the matrix of variable is x, y and z. The matrix of variable is x, y, z, and the matrix of constant is 1, 1, 5, right? So, अब देखिए, basically ये आपका matrix A है, that is matrix of coefficients, matrix of variables, and this is the matrix of constant. So, यदि मैं A inverse से दोनों तरफ multiply करता हूँ, so what I get is x is equals to A inverse of B, right? मतलब ये जो A matrix यहाँ पे है, जब वो इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, A inverse बनेगा, और B के पहले लिखा जाएगा. मतलब I can do the same thing, यदि मुझे x, y, z लिखना है, if I have to write x, y, z, यदि ये इस मैट्रिक्स को उधर लिख जाऊँ, क्योंकि x, y, z निकालना है, तो इसको तो मुझे अलग रखना पड़ेगा, right? So this will become 2, 1, 1, 1 minus 2 minus 3 and 3, 2, 4 का inverse into 1, 1, 5. मतलब basically काम अब यहाँ पे अटक गया कि पहले इसका inverse निकालो, 1, 1, 5 से multiply करो and that will be your answer. So what I can do, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमने पहले चीज़ तो मुझे ये पता चल गया था कि जो matrix है this is non-homogeneous because ये 1, 1, 5 आ रहा है, so ये non-homogeneous है. उसके बाद मुझे check करना है कि solution exist करेगा या नहीं, unique है या नहीं, उसको कौन बताएगा, that is determined of A. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस एट प्लस सिक्स, माइनस 1 तो इधर आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 9, राइट, एंड देन प्लस 1, और 1 के साथ कितना आएगा बेटा, ये गया, दैट इज 2 प्लस 6, एंड दैट इज लिख लो उसको 2 प्लस 6. सो व्हाट आई गेट इज 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 13, एंड दिस विल बी प्लस 8, राइट. सो माइनस 4 माइनस 13, दैट इज माइनस 17, माइनस 4 माइनस 13 माइनस 17, एंड प्लस 8 दैट इज माइनस 9, विच टेल्स मी दैट इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका मतलब क्या है बेटा, कि मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. इनफैक्ट इट विल बी यूनिक, इट विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी यूनिक. वो कैसा होगा आपके पास, यूनिक भी होगा. सो ऑल कैसे होगा, सो वी कैन फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. यदि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ध्यान से सुनना, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ओवर हियर बाय पीवीएस मेथड, पीवी सिंधु मेथड. इस मेथड से डायरेक्टली हम इनवर्स लिख रहे हैं,
ठीक है। तो यदि मैं इनवर्स लिखूं तो सबसे पहले मुझे इनवर्स लिखने के लिए माइनस नाइन से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू डिवाइड इट बाय माइनस नाइन, दैट इज क्योंकि होता क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, तो पीवीएस मेथड है, पोजिशन वैल्यू देन दोनों कंप्लीट हो जाए देन वी गो ऑन द साइन। तो 2 का पोजीशन यहीं पे आएगा, 2 का पोजीशन यहीं पे आएगा एंड दैट विल बी माइनस 8 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6 इज माइनस 2, राइट, माइनस 2, ओके। 1 का पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, राइट, 1 यहाँ पे आएगा, ये गया और ये गया, दैट मीन्स 4 एंड 4 प्लस 6, ये गया और ये गया, दैट मीन्स दिस विल बी, ये गया और ये गया, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी प्लस 9, 4 प्लस 9 एंड 4 प्लस 9 इज 13, राइट, सो सॉरी 13 हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इस वन का, तो ये यहाँ पे आएगा और होगा क्या बेटा, ये गया दैट इज 2, 2 एंड दिस विल बी प्लस 6, और 2 प्लस 6 इज 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन दिस वन, तो ये गया और ये गया, दैट मीन्स वी हैव 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। इस माइनस 2 के लिए देखते हैं, तो ये गया और ये गया, 4 टू 8, 8 माइनस 3 इज 5 एंड इस माइनस 3 का पोजीशन ये आएगा, ये गया 2, 2 जा 4, 4 माइनस 3 इज 1, ओके। इस 3 का पोजीशन लिखेंगे तो ये रो, ये कॉलम चला जाएगा, सो माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। इस 2 का पोजीशन ये गया दैट इज माइनस 6 माइनस 1 एंड माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7। और इस 4 का कितना आएगा बेटा, दैट इज माइनस 4 माइनस 1 एंड माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, राइट। तो हमने डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसका इन्वर्स लिख दिया एंड व्हाट आई हैव इज 1 1 5। यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, 1 1 और 5 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 1 5, बट वी हैव फॉरगॉट कि हमने यहाँ पे पोजीशन और वैल्यू देखा है, साइन नहीं देखा है, सो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, यस और नो। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, कैन वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 3x1 आ जाएगा। सो व्हाट द आंसर आई हैव इज माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 5, माइनस 13 इंटू 1, प्लस 5 इंटू 1, प्लस 7 इंटू 5 एंड 8 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 एंड माइनस 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय कितना, माइनस 9। दैट कैन आई से माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 9, माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस माइनस 8 एंड 35 माइनस 8 इज 35 माइनस 8 इज माइनस नहीं प्लस 27, राइट, एंड 8 माइनस 1 इज 7, 8 माइनस 1 इज 7 एंड दिस इज 25, सो 7 माइनस 25 इज माइनस 18 और होल डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है बेटा, माइनस 1 बाय 9, राइट। तो यदि हम तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दें तो पहला कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 9 इज 1, 27 डिवाइडेड बाय माइनस 9 इज माइनस 3 एंड माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 9 इज 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज माइनस 3 एंड वैल्यू ऑफ z इज 2। वैल्यू ऑफ z कितना आ गया आपके पास, 2 आ रहा है, समझ में आ गई बात। सो यहाँ से क्योंकि एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो आपके पास रेगुलरली यही चल रहा है ना, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे यदि आप कंपेयर करोगे मैट्रिसेस को तो एक्स की वैल्यू कितनी, 1, वाई की वैल्यू कितनी, माइनस 3 एंड जेड की वैल्यू कितनी, 2। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। इनफैक्ट ये वाला मेथड हम ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 4x4 है, यदि 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल है, 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल से, उसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत होगी आपको इनवर्स निकालने में, ठीक है। सो चलिए लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 3, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल्स टू 2 and 2x minus y plus z is again equal to 2, okay। So इसको सबसे पहले आपका काम क्या बेटा, you have to convert this into the matrix form, matrix form में convert करना है। So what you will have is 1 1 1, 1 minus 2 3 and 2 minus 1 1 को जब आप x y z से multiply करोगे तो आपको मिलेगा 3 2 2, यस नो। अगेन सिंस इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस, ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस, सो वी कैन डायरेक्टली डू इट। यदि ये जो मैट्रिक्स है ए, दैट मीन्स ए एक्स इजिकल्स टू बी के फॉर्म में, जब ए इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी,
राइट मीन्स व्हाट आई कैन राइट, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ जब ये इधर जाएगा, दैट इज एक्स वाई जेड इजिकल्स टू इसका इनवर्स 1 1 1 1 माइनस 2 3 एंड 2 माइनस 1 1 का इनवर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3 2 2. और इसका इनवर्स निकालने के लिए आई शुड नो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, दैट इज 1. माइनस 2 प्लस 3 इज 1. माइनस 1 ये गया एंड दिस इज 1 माइनस 6. 1 माइनस 6 इज माइनस 5 एंड प्लस 1 दिस विल बी माइनस 1 प्लस 4. माइनस 1 प्लस 4 इज 3. सो व्हाट आई गेट इज 1 प्लस 5 प्लस 3, दैट मीन्स अगेन कितना आ गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया है एंड दैट इज इक्वल्स टू 9. कितना आ गया मेरे पास, 9. सो इन द नेक्स्ट स्टेप What I can do is to find the inverse of this matrix. इस matrix का inverse निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x, y, z और equal में आपके पास क्या आएगा बेटा, directly इसका inverse लिख रहा हूँ, whole divided by कितना, 9. Okay, चलिए so start करते हैं. 1 position ये होगा आपका, तो ये गया -2 + 3 is 1. इस 1 का पोजीशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये गया और ये गया, 1 1 1 1. 1 माइनस 6 इज माइनस 5. इस 1 को कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो ये गया और ये गया, सो -1 -1 -1 एंड +4 -1 + 4 इज 3. ये हो गया कंप्लीट. इस 1 का और को माइनस कहाँ लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे, राइट. तो ये जो रो में है या जो कॉलम में है वो हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1 + 1 1 1, दैट मीन्स 2. इस -2 को ये गया, दैट मीन्स 1 1 1 1 -2 इज -1. एंड इस माइनस इस 3 को यहाँ पे लिखोगे तो ये दो और ये कॉलम चला जाएगा, 1 × -1 इज -1, -2 -1 -2 इज -3. चले मूव करते हैं इस 2 को, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला दो और ये वाला कॉलम कैंसिल होने से 3 + 2 एंड 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5. इस -1 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये दो और ये कॉलम गया, सो 3 - 1 एंड 3 - 1 इज 2. और इस 1 के लिए -2 - 1 एंड -2 - 1 इज -3, राइट. बाजू में कौन बैठा है, दैट इज 3 2 एंड 2, राइट. कैन वी मल्टीप्लाई द अबव मैट्रिसेस. 1/9 को यदि मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस साइड में बुला लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 + 4 + 1 = 3, दिस विल बी 4 एंड +10. 1 + 4 + 10, ओके. अच्छा एक सेकेंड, साइन चेंज करना हम हमेशा भूल जा रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे अब सिनेरियो कुछ हो जाएगा, दैट मीन्स 3 3 1 3 -4 + 10, ओके. एंड हियर विल बी 15 - 2 - 4 एंड नेक्स्ट वी हैव 9 + 6 - 6. सो व्हाट वी गेट, 10 + 3 13, 13 - 4 इज 9, 15 - 6 इज 9 एंड 9 होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 1/9. बाजू में कौन चल रहा है यहाँ पे, x, y, z. तो यहाँ से मुझे साफ साफ वैल्यू मिल गई है, दैट x, y, z की वैल्यू विल बी 1 1 1 एंड वी कैन रीचेक. यहाँ पे आप रीचेक भी कर सकते हो, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 1 - 2 - 1 -1 + 3 2, x की वैल्यू 2 2 1 2, 2 - 1 1 1 + 1 2, हैंस जो अभी हमने किया दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, सो इन दिस वे वी कैन डू द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या बहुत सारे लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थ्रू द मैट्रिक्स मेथड, ठीक है. सो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, दैट इज 2 x + 3 y, 2 x + 3 y + 10 z इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पे बेटा आपके पास जो वेरिएबल्स है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, ठीक है. नेक्स्ट 4 x - 6 y + 5 z इज इक्वल्स टू 1. 4 x - 6 y + 5 z इज इक्वल्स टू 1. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. और जो आपका थर्ड इक्वेशन है, दैट इज 6 x + 9 y -20 z. देखिए यहाँ पे जो आपके एक्स वाई और जेड्स हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड ऊपर नहीं है, ठीक है. यहाँ पे एक्स वाई जेड ऊपर नहीं है. पहले क्लासेस में आप क्या कहते थे बेटा, सब्सटीट्यूट कर देते थे, लेट 1 x इज इक्वल्स टू ए, 1 y इज इक्वल्स टू बी एंड 1 z इज इक्वल्स टू सी. बट यहाँ पे फिलहाल देर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी हैव टू, हमें क्या करना है, वेक्टर्स को सॉरी जो आपका मैट्रिक्स है, कोफिशियंट के मैट्रिक्स को अलग करना है, वेरिएबल के मैट्रिक्स को अलग करना है और कॉन्स्टेंट के मैट्रिक्स को अलग करना है, ठीक है. सो
सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट टर्म 2, 3, 10, 4 -6 and 5, 6, 9 and -20. और यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट हो वेरिएबल होगा वो 1/x, 1/y, 1/z होगा. जिसको यदि ए बी सी लेट करना है दे कैन लेट द सेम, आप ए बी सी लेट करके कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है. एंड दैट विल बी इक्वल टू 4, 1, 2. ठीक है, कैन आई डायरेक्टली डू ओवर हियर दैट 1/x, 1/y और 1/z का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2, 3, 10, 4 -6, 5 and 6, 9 of -20 का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 and 2. राइट, ये सुनो. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, सिंस इट इज़ अ नॉन होमोजीनियस, इसका हम ये निकाल के देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं साइड में. सो इट्स अ डिटर्मिनेंट विल बी, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा कितना होगा बेटा, दैट इज साइड में निकालते हैं, 2 times of -6 into -20. तो -26 = 120 होगा, दैट मीन्स वी कैन राइट ओवर 120 and -45. राइट, देन -3 times of ये गया और ये गया, -20 into 4 is -80 एंड -30. 6 5 is 30. ओके, एंड 10 में कितना आ जाएगा बेटा, दिस 10 गिव्स मी, ये जो 10 होगा दैट इज 36 - 36 एंड दैट इज 0. वेरी गुड. सो 2 into 120 - 40 कितना होता है, 80. 120 - 40 = 80. तो करोगे तो ये हो जाएगा 75. राइट, एंड दिस विल बी -110. तो ये हो जाएगा आपका प्लस 80 into 30 कितना होगा, 80 into 30 हो जाएगा 110. 18 into 13 कितना हो जाएगा, 110. और 110 में फिर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 310. ए भाई साहब, ये 36 + 36 हो जाएगा, सो दिस विल बी 72. सॉरी, ये हो जाएगा ना 4 9 = 36 एंड माइनस तो होगा और ये माइनस उसको 36 बना देगा. सो दिस हियर वी हैव इज 330. राइट, -110 into -3 दैट इज 330 एंड प्लस 720. सो दिस विल बी 150 + 330 and + 720. तो 710 and 1000 एंड दिस विल बी 1100. सो फाइनली आई गेट इट एज 1200. बाबा यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 1200 मिल रहा है. सो कैन आई राइट दिस, इसको मैं ध्यान से देखना, नीचे तो हमने लिख दिया 1200 और यहाँ पे क्या है मेरे पास बेटा, -4, 1 and 2. अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस. इनवर्स निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, बट अपने दिमाग को धैर्य रखिए, थोड़े से दिमाग में धैर्य रखिए. तो क्या होगा, सबसे पहले आप 2 का लिखोगे, पोजिशन वैल्यू एंड साइन, पी वी सिंधु मेथड, पोजिशन वैल्यू एंड साइन. तो 2 का पोजिशन कहाँ पे आएगा बेटा, यहीं पे आएगा. और 2 कितना होगा ध्यान से देखना, -6 into -20 - 6 into -20 120, -9 5 = 45. सो 120 - 45 कितना हो जाएगा, 75. राइट, देन 3 का हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये गया और ये गया, तो -4 into -20 कितना होगा, -80 एंड बीच में साइन -30 का आएगा, दैट मीन्स दिस बिकम्स -110. राइट, नेक्स्ट इस 10 का आप यहाँ पे लिखोगे तो ये गया 36 and 36 + 36, दिस विल बिकम 72. 36 + 36 = 72. ओके, चलिए इस 4 का हमें यहाँ पे लिखना है, तो ये दो और ये कॉलम चला जाएगा, 3 into -20 is -60 - 90 दैट इज -150. -6 का लिखेंगे तो 2 - 20 दैट इज -40 - 60 एंड विच विल बी -100. और इस 5 का लिखोगे तो ये दो ये कॉलम चला गया, 9 2 = 18, 18 - 18 यहाँ पे आपका आ गया 0. नेक्स्ट इस 6 का हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज 6 5 5 3 = 15 एंड 15 ये प्लस हो जाएगा 60 एंड दिस विल बी 75. ओके, इस 9 का हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये दो और ये कॉलम चला गया, 5 2 = 10, 10 - 40 is -30 एंड फाइनली इस -20 का यहाँ पे आएगा, दैट इज -12 and -12 - 24. अब हम साइन पी वी सिंधु मेथड साइन नहीं भूलेंगे, तो इसका साइन चेंज करोगे तो वही साइन आएगा, दिस विल प्लस प्लस एंड प्लस. चलिए अगला काम क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का काम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बैठ के. तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 75 into -4 दैट मीन्स -300. राइट, एंड प्लस कितना हो जाएगा ये बेटा, प्लस हो जाएगा 150 into 1 is 150 एंड प्लस 75 into 2 is again 150. राइट, साइन चेंज किया आपने तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो 0 वैल्यू आ रहा है. 70 into
75, and this will be 75, yeah, of course. So this will be 75 into minus 4 is minus 300 and plus 150, क्योंकि साइन चेंज किया है हमने. सो so, 2 का जो फैक्ट 3 का जो को फैक्टर आएगा, दैट इज ये 3 है, तो दिस विल बी माइनस 80 एंड दिस विल बी माइनस, इस 4 का देखना है, तो माइनस 4 का देखना है, माइनस 60 एंड माइनस 90, दैट मीन्स माइनस 150 होगा, विच विल बिकम 150. ओके, सो व्हाट वी हैव इज माइनस 300, व्हाट वी हैव इज माइनस 300 है ही नहीं, क्यों, वी हैव दिस इज 4 ना. ओके, सो दिस वी हैव एज 300 प्लस 150 प्लस 150, एंड नेक्स्ट अब हमको क्या करना है बेटा, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 440 माइनस 100 एंड प्लस 60. ओके, नेक्स्ट 72 इंटू 4, 4 2 8 एंड 7 4 2 88 प्लस 0 माइनस 48, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है बेटा आपके पास, 1200, दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स 1 बाय वाई, वट आई हैव इज 1 बाय एक्स 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड का जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज दिस विल बी 600, ये कितना हो जाएगा, 440 प्लस 60 इज 500 एंड 500 माइनस 100 इज 400 एंड द वैल्यू दिस 288 माइनस 48 इज 240 होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 1/1200, राइट. तो 600 बाय एक्स 1 बाय एक्स, इसको और क्या लिख सकते हो बोलो, 600 बाय 1200 दैट मीन्स 1 बाय 2, 400 बाय 1200 दैट इज 1 बाय 3 एंड 240 बाय 1200 दैट इज 1 बाय 5. तो यहाँ से इसका मतलब 1 बाय एक्स की वैल्यू 1 बाय 2 हुई, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी बेटा, 0, 2, ठीक है. सिमिलरली 1 बाय वाई की वैल्यू 1 बाय 3, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, एंड 1 बाय जेड इज इक्वल्स टू 1 बाय 5, मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से मेरे पास, 5. तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 एंड जेड की वैल्यू 5. वी कैन चेक बाय पुटिंग द यहाँ पे, तो एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 टू जा 2 से 2 गया 1 बचा, y की जगह 3 रखोगे गया 1 बचा, z की जगह 5 रखोगे 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 एंड द इक्वेशन सेटिस्फाइज, ठीक है. तो इसी तरीके से सारे के सारे इक्वेशंस आपके सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है. चलिए एक और चीज़ बहुत सीखते हैं, वी हैव टू डू द सेम थिंग, यहाँ पे भी हमें वही करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे बेटा दैट विल बी डन बाय द क्रैमर्स रूल. ठीक है, बहुत इजी मेथड है, सिर्फ आपको जिसको डिटरमिनेंट निकालने का बहुत इच्छा होता है, बहुत मजा आता है, वो इस रूल से करेंगे, एंड दैट इज क्रैमर्स रूल. ठीक है, क्रैमर्स रूल क्या है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, द सेम इक्वेशंस वी आर टेकिंग, दैट इज a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल्स टू b1, लेट्स से जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल्स टू b2 एंड a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल्स टू b3, लेट्स से. ओके, सो व्हाट कैन वी से, इसको यदि मैं कन्वर्ट करूं, इफ आई कन्वर्ट दिस इंटू द डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट, एंड दिस विल बिकम xyz विच गिव्स मी b1 b2 b3. अब ध्यान से सुनना, आप x की वैल्यू डायरेक्टली विथाउट कैलकुलेटिंग द इनवर्स भी निकाल सकते हो, विथाउट कैलकुलेटिंग इनवर्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कैसे भाई, देखिएगा ध्यान से, यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है, अच्छा एक बात बताइए, हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से. तो यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला डेल्टा x ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा, y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो डेल्टा y ऑफ y, एंड जेड की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो डेल्टा जेड बाय जेड, तो सॉरी डेल्टा जेड बाय दिस विल बी डेल्टा. तो सर ये क्या है, क्या दिस इज सबस्क्रिप्ट, एक्स वाई और जेड जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा. तो देखिए डेल्टा क्या है बेटा, डेल्टा जो आपका सिंपल जो डिटर्मिनेंट है इन सबको यूज करके a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा उसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या है, ये डेल्टा एक्स क्या है, ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स कैसे ऑप्टेन करोगे, जो एक्स वाला पार्ट है, मतलब यदि पहले रो में जो आपका ए वन वन ए टू वन और बी टू ए थ्री वन है, इसको हटा के यदि आप बी वन बी टू बी थ्री लिख दो, इसको हटा के यदि आप बी वन बी टू बी थ्री लिख दो, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये जो डिटर्मिनेंट होगा ना, दिस विल बी डेल्टा एक्स, ठीक है। मतलब यदि इसके डिटर्मिनेंट को इसके डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली यदि मैं पूछूं व्हाट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्लेस करना है, सेकेंड कॉलम से कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज ए वन वन ए वन टू ए सॉरी टू वन ए थ्री वन, है ना। सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है बाय बी वन बी टू एंड बी थ्री, बाकी एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स ए वन थ्री ए टू थ्री एंड ए थ्री थ्री। तो यदि आपको y निकालना है तो डेल्टा y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, उसको किससे डिवाइड करना है, इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ y। एंड सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा z क्या है, तो आप खुद बताओ डेल्टा z क्या है, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को किससे रिप्लेस करना है, कॉलम थर्ड से, थर्ड कॉलम से, सो ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन ए वन टू ए टू टू ए टू ए थ्री टू एंड दिस विल बी बी वन बी टू बी थ्री। तो इसके डिटर्मिनेंट को इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। सो दिस इज द क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल है आपका, ठीक है। तो फिर से एक बार याद करिए, आपको क्या करना है, ए की ए और बी चाहिए, ठीक है, यू नीड टू फाइंड ए और बी, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, x निकालना है, मतलब डेल्टा ऑफ x, डेल्टा x कैसे ऑप्टेन होगा, x है ना, x मतलब पहला वाला x है, तो पहले कॉलम को कांस्टेंट कॉलम से कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। डेल्टा y कैसे निकालोगे, सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करोगे, बाकी के दोनों कॉलम्स हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। और थर्ड वाला क्या होगा बेटा, डेल्टा z, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट टर्म से, बाकी जो फर्स्ट कॉलम है सेकेंड कॉलम है हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी कर चुका है क्वेश्चन, लेट से 2x plus y plus z is equals to 1, 2x plus y plus z is equals to 1, x minus 2y minus 3z equals to 1 and 3x plus 2y plus 4z is equals to 5। यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी हमने इसको सॉल्व किया था बेटा यूजिंग इनवर्स वाला क्राइटेरिया यूज किया था, अभी हम क्रैमर्स रूल से यूज करेंगे। तो इफ आई राइट कि डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा a लिख लेते हैं, व्हाट विल बी a, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 3 2 एंड 4, दिस इज ए मैट्रिक्स, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स होगा 1 1 5। सो इफ आई राइट डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 3 2 4 विच कम्स आउट टू बी माइनस 9। हम लोग ने निकाला था लास्ट टाइम कितना आया था, माइनस 9, चेक इट आउट, ओके। नाउ अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स क्या निकालना है, डेल्टा एक्स मतलब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है इससे, सो दिस विल बी 1 1 5, दिस विल बी 1 1 एंड 5, 1 माइनस 2 एंड 2, 1 माइनस 3 एंड 4, ठीक है। और इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो कितना होगा बोलो, 1 माइनस 8, कितना होगा ध्यान से देखो, माइनस 8 एंड प्लस 6, राइट, माइनस 1, तो ये गया और ये गया, 4 प्लस 15, राइट, एंड ये 1 प्लस 1, इसके बाद कितना होगा बोलो, ये 1 गया, दैट इज 2 प्लस 10, तो व्हाट आई गेट इज माइनस 8 प्लस 6 इज माइनस 2, राइट, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2, 15 प्लस 4 इज माइनस 19 एंड 10 प्लस 2 इज 12, राइट। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बताओ, दैट इज माइनस 19, ध्यान से सुनिए, माइनस 21, माइनस 21 प्लस 12, माइनस 21 प्लस 12 इज माइनस 9, माइनस 21 प्लस 12 इज माइनस 9, ओके। सो नाउ लेट अस फाइंड डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का मतलब क्या होगा बेटा, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना, सो दिस कांस्टेंट टर्म, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 1 3 1 1 5 1 माइनस 3 एंड 4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 15, राइट, देन माइनस 1, ये गया, ये गया, 4 प्लस 9 एंड देन वी हैव प्लस 1, तो ये गया एंड दिस इज 5 माइनस 3 इज 2, सो व्हाट इज आई गेट इज 2 इंटू 19 माइनस 13 एंड प्लस 2, 19 टू ज़ा 38,
दैट मीन्स 40 - 13 डायरेक्टली लिख लें 40 - 13 एंड 40 - 13 इज 27 एंड देन वी फाइंड डेल्टा जेड. डेल्टा जेड फाइंड करते हैं. जेड इज ऑलवेज इन द सबस्क्रिप्ट. तो जेड मतलब थर्ड कॉलम हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 2, 1, 1 - 2 and 3, 2. हियर वी हैव इज 1, 1, 5. सो वॉट आई गेट इज 2 - 10 - 2 - 1, 5 - 3 and +1, 2 + 6. So what I get is 2 - 12 - 1 × 2 and +8. So कितना मिलेगा -24 and -2. -24 - 2 - 26 and -26 + 8 = -18. Right? So now we have यदि x का value निकालना है, that means delta x by delta y का value निकालना है. y का वैल्यू निकालना है दैट मीन्स डेल्टा y बाय डेल्टा और z का वैल्यू निकालना है दैट मीन्स डेल्टा z बाय डेल्टा. ओके सो डेल्टा x बाय x मतलब -9 - -9 and -9 - -9 = 1. राइट देन डेल्टा y कैसे निकलेगा बेटा डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाय डेल्टा दैट मीन्स 27 - -9 एंड विच इज -3. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3. और z डेल्टा z बाय दैट इज -18 - -9 and -18 - -9 = 2. सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 2. एंड इफ यू सी जो हमने लास्ट टाइम मेथड किया था फ्रॉम द इनवर्स द आंसर बिकम्स सेम. तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है यूजिंग द क्रैमर्स रूल. व्हाट यू शुड हैव इज डेल्टा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉन्स्टेंट कोफिशियंट मैट्रिक्स. यदि उस कोफिशियंट मैट्रिक्स के पहले कॉलम को कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा x. यदि सेकेंड कॉलम को आप कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करोगे तो डेल्टा y एंड थर्ड कॉलम को कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करोगे तो डेल्टा z. एंड इफ यू फाइंड डेल्टा x बाय डेल्टा वी गेट द वैल्यू ऑफ x, डेल्टा y बाय y डेल्टा वी गेट द वैल्यू ऑफ y एंड डेल्टा z बाय डेल्टा वी गेट द वैल्यू ऑफ z. तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रैमर्स रूल दो मैथड सीखा फ्रॉम द फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हियर दिस कंप्लीट सिनेरियो एंड्स. ओके सो थैंक यू.